मैं काव्या जैन आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज के धार्मिक समाचार इस प्रकार हैं। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 99.9% अंक पाने वाले किसी भी विद्यार्थी का सपना टॉप कॉलेज में प्रवेश लेकर बेहतर करियर चुनना रहता है, लेकिन गुजरात बोर्ड के टॉपर वार्षिल शाह ने कुछ और ही राह चुनी है। अहमदाबाद के एक मध्यवर्गीय परिवार से आने वाले 17 वर्षीय वार्षिल शाह ने उच्च शिक्षा लेकर करियर बनाने की बजाय जैन भिक्षु बनने का फैसला किया है। उन्होंने आज 8 जून को जैन भिक्षु बनने के लिए दीक्षा ली। दीक्षा कार्यक्रम गांधीनगर में आयोजित किया गया। परिवार से मिली जानकारी मुताबिक बीते माह 27 मई को जारी गुजरात हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के परीक्षा परिणाम में वार्षिल ने टॉप किया है। पेशे से आयकर अधिकारी वार्षिल के पिता जिगर भाई और मां अमीबेन शाह अपने बेटे के इस फैसले से काफी खुश हैं। इतना ही नहीं, वार्षिल की बड़ी बहन जैननी भी अपने भाई के फैसले में साथ खड़ी है। जैन धर्म को मानने वाला वार्षिल का परिवार बेहद सादगी के साथ जीवन व्यतीत करता है। उनके घर में बिजली का ज्यादा प्रयोग वर्जित है, क्योंकि उनका मानना है कि बिजली बनाने में कई जलीय जीव मारे जाते हैं। शाह के घर में फ्रिज और टीवी भी नहीं है। बिजली का इस्तेमाल भी सिर्फ रात में पढ़ते समय किया जाता है। नैन भाई सुठारी ने बताया कि वार्षिल 3 साल पहले मुनि श्री कल्याण रतन विजय जी के संपर्क में आया और तभी से अध्यात्म की राह पर मुड़ गया। वह सफलता के लिए कड़ी मेहनत की बजाय शांत दिमाग को ज्यादा तरजीह देता है। वार्षिल की दीक्षा लेने के लिए अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने का इंतजार था। दीक्षा ग्रहण के बाद उनका संयामी नाम श्री मुनि सुवर्य रत्ना विजय जी होगा। मैं दोनों जीवन को कंपेयर करता था, सोचता था कि ये बराबर है, ये बराबर है। फिर मैंने निर्णय किया कि नहीं, करने जैसा यही है, सुख यही है। इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसा हुआ कि अब ऐसा तू जा रहा है, मतलब बाद में सब सम्मत हो गए कि ना तू सही है, तू बराबर कर रहा है, यही करने जैसा है। श्री शांतिनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर कमेटी सुंदर नगर लुधियाना द्वारा सामूहिक आयुर्वेद का आयोजन श्री विजय इंद्र कम्युनिटी सेंटर सुंदर नगर लुधियाना में किया गया। परम पूज्य साध्वी श्री पद्मलता श्री जी महाराज की सुशिष्याएं पूज्य साध्वी श्री हरमिष्ठा जी महाराज, पूज्य साध्वी श्री जित यशा जी महाराज और पूज्य शासन ज्योति साध्वी श्री सुमती जी महाराज की सुशिष्याएं प्रशिष्याएं पूज्य साध्वी श्री सुमनिषा जी महाराज, पूज्य साध्वी श्री सुविराग जी महाराज, पूज्य साध्वी श्री मुक्ति रत्ना जी महाराज की पावन निशा में श्री शांतिनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर कमेटी सुंदर नगर लुधियाना द्वारा सामूहिक आयुर्वेद का आयोजन श्री विजय इंद्र कम्युनिटी सेंटर सुंदर नगर लुधियाना में किया गया। आयुर्वेद करके पुण्योपार्जन भी किया गया। आज बहुत ही खुशी का विषय है कि श्री शांतिनाथ जैन मंदिर कमेटी की और सुंदर नगर की ओर से जो हर महीने आयंबिल करवाए जाते हैं उसका आयोजन आज यहाँ पर 14 वाले दिन हो रहा है, जिसके कि लाभार्थी परिवार हमारे सुंदर नगर के ही सुप्रसिद्ध परिवार श्री विजय कुमार
राजेश कुमार, सुरेश कुमार जैन परिवार अम्बाला वाले, उन्होंने ये लाभ लिया है, तो हम उनकी भी इस सुकृत्य की भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। आज इसी परिवार से श्री सुरेश जी और नीरू भाभी जी का मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारक और अनुमोदना करते हैं। इसके साथ साथ अगले महीने चौमासी चौदश वाले दिन 8 जुलाई को वो यहीं पर फिर आइम्बिल का आयोजन होगा। सभी से प्रार्थना है कि बढ़ चढ़कर इस दिन जो है तपस्या करने में आइम्बिल तप अवश्यमेव करें 8 जुलाई वाले दिन। और एक और सूचना इसके साथ साथ मैं देना चाहूँगा कि हमारे सुंदरनगर में श्री शांतिनाथ जैन परमात्मा का जो मंदिर है, 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ परमात्मा जी का, उसका प्रतिष्ठा की वर्षगांठ का महोत्सव आने वाला है। 1, 2 और 3 जुलाई को ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं आत्मा चैनल के माध्यम से सभी श्री संघ को और लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि हम 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई को बहुत धूमधाम से सुंदरनगर में श्री शांतिनाथ जैन परमात्मा के वर्ष प्रतिष्ठा वर्षगांठ को बहुत ही भक्ति भावपूर्ण मनाएं। और सभी को मैं हार्दिक आमंत्रण देता हूं। आज के इस आइम्बिल के उपलक्ष्य में सभी तपस्वियों की भूरी अनुमोदना करता हूं। जय जनेश्वर देव की। श्री बाबू वंशीय जैन सोसाइटी के तत्वोधन में श्री दादी वीरो जैन श्राविका संघ की ओर से 1 से 8 जून तक दूसरा वार्षिक आत्म ध्यान साधना शिविर का आयोजन लुधियाना के सुंदर नगर में किया गया था, जिसमें भाग ले सभी जैन भक्त भाई बहनों ने लाभ लिया। लुधियाना के कुलदीप नगर गली नंबर 5 सुंदर नगर में श्री बाबू वंशीय जैन सोसाइटी के तत्वोधन में श्री दादी वीरो जैन श्राविका संघ की ओर से 1 से 8 जून तक दूसरा वार्षिक आत्म ध्यान साधना शिविर सुबह 8:45 बजे से लेकर 11:15 तक आयोजित किया गया। शिविर में बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान सभी आयु वर्ग के जैन भक्त शामिल थे। इसके बाद 9 व 10 जून को गंभीर साधना शिविर का आयोजन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ध्यान साधिका श्रीमती रेणु जैन की देखरेख में आयोजित किया जाएगा। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम मान्या है और मैं इस ध्यान साधना शिविर से जुड़ी हुई हूँ। इस शिविर से हमें पता चलता है कि हम कैसे अपनी आत्मा से जुड़े हुए हैं। मैं चाहती हूँ मेरे सभी दोस्त इस शिविर में आए और अपने मन की शांति को महसूस करें। इस शिविर का बहुत सुखद अनुभव मुझे हुआ है और मैं चाहती हूँ ये शिविर हर साल ऐसे ही लगता रहे। धन्यवाद। मेरा नाम मुस्कान जैन है, मैं 9th में पढ़ती हूँ। ये आत्म ध्यान साधना शिविर 1 जून से 10 जून तक चल रहा है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हम अपनी आत्मा के साथ कैसे रह सकते हैं। हमें अपने शरीर और आत्मा की भिन्न होने का पता चलता है। मैं चाहती हूँ मेरे सभी दोस्त यहाँ आएँ, ये शिविर अटेंड करें और अपने अंदर की आत्मा से बोध होगा। तो मैं चाहती हूँ कि सभी आएँ और यहाँ पर आकर सुख का अनुभव करें। धन्यवाद। मैं रिचा जैन, प्रधान दादी वीरो जैन श्राविका संघ, 1 जून से 10 जून तक जो आत्म ध्यान साधना शिविर का आयोजन हमारे बाबूवंशी सोसाइटी के तत्वाधान में दादी वीरो जैन श्राविका संघ के द्वारा कुलदीप नगर गली नंबर 5 में चल रहा है, इसमें 1 जून से 8 जून तक हमारे बेसिक शिविर कंप्लीट हुआ है। 9 एवं 10 जून को गंभीर शिविर का आयोजन होगा, जो सुबह 9 बजे से सायकाल 4 बजे तक चलेगा। इसमें लेडीज़, जेंट्स और बच्चों ने भी बहुत उत्साह के साथ भाग लिया है। इसमें 125-150 के करीब लोग आ रहे हैं और अपनी आत्मा में रमन कैसे करते हैं, ये जो हमें आचार्य भगवान के शिव मुनि जी महाराज साहब के द्वारा दी गई साधना इस पंचम काल के आरे में हमें सिखाई है, उसके में हम रमन करते हुए ये सब साधना सीख रहे हैं। मेरा सभी से यही अनुरोध है, जिन्होंने अभी तक शिविर नहीं अटेंड किया, वो 9 और 10 जून को यहाँ पर अवश्य आएं और अटेंड करें। जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव श्री ओम मुनि जी महाराज धर्म प्राभव पर वचन भूषण श्री सौरभ मुनि जी महाराज ठाणे 4 और उनके शिष्य बीते दिनों जैन स्थानक जनता नगर से विहार करके श्री जगवल्लभ पार्श्वनाथ जिनालय जैन कॉलोनी विजेंद्र नगर डाबा रोड लुधियाना में विराजमान है।
पूज्य गुरुदेव श्री ओम मुनि जी महाराज धर्म प्रभाव पर वचन भूषण श्री सौरभ मुनि जी महाराज ठाणे चार और उनके शिष्य जैन स्थानिक जनता नगर से विहार करके श्री जगवल्लभ पार्श्वनाथ जिनालय जैन कॉलोनी विजेंद्र नगर डाबा रोड लुधियाना में विराजमान है। हर रोज गुरुदेव द्वारा प्रवचन किए जाते हैं जिसका सभी जैन भक्त भाई बहन भारी संख्या में पहुँच कर लाभ ले रहे हैं। करना है मुक्ति का अभियान आगे बढ़ते जाना, करना है आगे बढ़ते जाना, आएंगे संकट के तूफान फिर भी मत घबराना, आएंगे संकट के फिर भी मत घबराना, वो करना है मुक्ति का अभियान आगे बढ़ते जाना, करना है मुक्ति का अभियान आगे बढ़ते जाना। सैनिक महावीर के हो दुश्मन जंजीर के हो, सैनिक महावीर के हो दुश्मन जंजीर के हो, बंधन को तोड़ो निर्वाण की पदवी को पाना, बंधन को तोड़ो निर्वाण की पदवी को पाना। भगवान महावीर ने बहुत महान सूत्र दिया, बहुत कल्याणकारी उनका संदेश, क्योंकि तीर्थंकर भगवंतों की जो वाणी है बहुत अद्भुत होती है। हम आम सामान्य संसार के लोगों की बात को हम, चाहे हम संत हो, चाहे आप गृहस्थी हो, चाहे बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, चाहे साइंटिस्ट हो, दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो वैज्ञानिक हैं उनकी बात भी असत्य हो सकता है, उनकी बात भी गलत हो सकती हैं, लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो केवल ज्ञानी होते हैं, और उनमें भी तीर्थंकर भगवंतों की जो वाणी है, तीनों काल में उनकी वाणी क्या होती है, सत्य होती है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो उवज्झायानं, नमो लोए सब साहुनम, एषो पंच नमोकारो सब पापनाशनो मंगलानंच सव्ये सिंह, परमं हवये मंगलम, परमं हवये मंगलम, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम स्थूलि भद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मंगलम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्व धर्मानाम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयतु शासनम। अभी रुकते हैं छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर हो गए बाकी के धार्मिक समाचारों के साथ। शिव ब्रिक्स, बढ़िया क्वालिटी की ईंटें और टाइल्स खरीदने के लिए संपर्क करें VPO चौकी मान तहसील जगराऊं, नंबर 9872503117, 9872636526। होटल सिटी होम फुली एयर कंडीशन रेस्टोरेंट, किटी हॉल बैंक्वेट हॉल फुली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स विद 24-hour रूम सर्विस, 100% pure vegetarian food, special thali, packing and free home delivery also available. Hotel City Home near Sanglawala Shivala Mandir, Ludhiana. Phone 9780463030. Break के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, आइए बढ़ते हैं बाकी के धार्मिक समाचारों की ओर। पूज्य श्री शिवेंद्र मुनि जी महाराज और उनके शिष्य परम सुख मुनि जी महाराज जैन स्थानक मोती नगर में विराजमान है।
इलाका निवासी और जैन भक्त महाराज के दर्शन कर उनके द्वारा हर रोज सुबह किए जा रहे प्रवचनों का लाभ ले रहे हैं। बीते दिन से मोती नगर जैन स्थानक में विराजमान पूज्य श्री शुभेंद्र मुनि जी महाराज और उनके शिष्य परम सुख मुनि जी महाराज अपने प्रवचनों द्वारा भक्तजनों को आनंदित कर रहे हैं। इलाका निवासी और दूर से आए सभी भक्तजन भक्ति रस का लाभ ले रहे हैं। मूल है तो फिर उसकी शाखाएं भी है, जड़े हैं तो उसकी क्या है, शाखाएं हैं। पहले कीमत किसकी है? आप लोग फल को महत्व देते हैं ना, किसको देते हैं? फल को नहीं, हमें फल को ही महत्व नहीं देना चाहिए, हमें जड़ को भी क्या देना पड़ेगा, क्योंकि जड़ है तभी तो क्या है, वृक्ष है, और वृक्ष है तो फल है। आप लोग फल खाने की चिंता करते हैं, है ना, क्या करने चिंता करते हैं, फल की चिंता करते हैं, लेकिन हमें उसकी भी चिंता करने की, जड़ कहाँ से आ रही है, पेड़ कहाँ है, और फल आया है उसके ऊपर तो उसको भी खाना है हमारे को। तो जो जड़ें जो पकड़ी गई नरम भूमि में पकड़ी गई, धर्म का जो है ना, धर्म का बीज नरम हृदय में बोया जाएगा, जब उगेगा तब उसका फल हमें प्राप्त होगा। हमें नरम होकर के चलना चाहिए, अपने से बड़ों के आगे, गुरुओं के आगे, जो ज्ञानी पुरुष हैं उनके आगे हमें नम्र होकर के चलना चाहिए। एक बार अकबर बादशाह दरबार में बैठा था, तो अकबर बादशाह ने सोचा कोई सवाल कर लो, और अकबर बादशाह के सवाल का उत्तर कौन देता था? बीरबल देता था। तो अकबर बादशाह ने प्रश्न सवाल पूछ लिए कि सबसे मीठी क्या है और सबसे कड़वी क्या है, कि संसार में इस दुनिया में ऐसी चीज कौन सी है जो कड़वी भी है और मीठी भी है। एक उठा और बोला कि जापना, सबसे मीठा शक्कर है और सबसे कड़वा करेला है। तो बादशाह बोला जचा नहीं, और को उत्तर दो। दूसरा दरबारी खड़ा हुआ, वो बोला कि सबसे मीठा गन्ना है और सबसे कड़वी नीम की पत्ती है। जरा सामने तो आओ महावीर जी, मैं पूजा तेरी तस्वीर नू, लोकी कहंदे ने कष्ट निवारदा, बदलो बदलो मेरी तकदीर नू। जरा सामने तो आओ महावीर जी, मैं पूजा तेरी तस्वीर नू, लोकी कहंदे ने कष्ट निवारदा, बदलो बदलो मेरी तकदीर नू। इधर भी जंगल उधर भी जंगल, विच जंगला दे मैं खड़ी, विच जंगला दे मैं खड़ी, आके रास्ता दिखाओ महावीर जी, मैं पूजा तेरी तस्वीर नू, लोकी कहंदे ने कष्ट निवारदा, बदलो बदलो मेरी तकदीर नू। इधर भी पत्थर उधर भी पत्थर, विच पत्थरां दे मैं खड़ी, विच पत्थरां दे मैं खड़ी, मेरा कष्ट निवा महावीर जी, मैं पूजा तेरी तस्वीर नू, लोकी कहंदे ने कष्ट निवारदा, बदलो बदलो मेरी तकदीर नू। या गौसे आजम दस्तगी ट्रस्ट की ओर से 11 शरीफ सरकार जी की दरगाह पर भक्ति समागम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों इलाका निवासियों ने शिरकत कर पीर बाबा जी से आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर आए हुए भक्तों के लिए विशेष लंगर का इंतजाम भी किया गया था। या गौसे आजम दस्तगी ट्रस्ट की ओर से 11 शरीफ सरकार जी की दरगाह पर भक्ति समागम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों इलाका निवासियों ने शिरकत कर पीर बाबा जी से आशीर्वाद लिया।
इस अवसर पर आए हुए भक्तों के लिए विशेष लंगर का इंतजाम भी किया गया था। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਇਆ ਇਹ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 11ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਐਸਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੱਟੀਏ। ਮੇਰੇ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇਸ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਸ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੂੰਗਾ। लुधियाना के सिविल लाइन से श्री आदिनाथ जैन मंदिर में पूज्य गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज साहिब और उनके शिष्य विराजमान हैं। लुधियाना निवासी और दूर दूर से आए भगत जन उनके दर्शन कर उनके प्रवचनों का लाभ ले रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज साहिब और उनके शिष्य लुधियाना के सिविल लाइन स्थित श्री आदिनाथ जैन मंदिर में विराजमान है। वे आगे 17 जून तक यही विराजमान रहेंगे। जहां लुधियाना निवासी उनके दर्शनों और प्रवचनों का लाभ ले रहे हैं, वहीं दूर से आए भक्तों को भी गुरुदेव अपने प्रवचनों से आनंदित कर रहे हैं। दिल्ली से अपने साथियों के साथ पूज्य गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज साहिब के दर्शन करने लुधियाना पहुंचे राजकुमार जैन ने भी आत्मा चैनल के साथ अपने विचार साझा किए। श्रवण संघीय सलाहकार, उप प्रवर्तक, नवकार साधक पूज्य गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ लुधियाना आदिनाथ जैन मंदिर समिति केंद्र में विराजमान है। गुरुदेव श्री जी के सानिध्य में प्रतिदिन दोपहर को 3 बजे महामंगल पाठ का आयोजन होता है। वह महामंगल पाठ मंगलकारी, कल्याणकारी, आरोग्यकारी और सौभाग्यकारी है। सभी मंगल पाठ में आकर गुरुदेव से पावन आशीर्वाद प्राप्त करें, मंगलकारी मंगल पाठ को सुनकर अपने जीवन में मंगल ही मंगल पाए। श्रद्धेय गुरुदेव श्री जी यहाँ पर आदिनाथ जैन मंदिर समिति केंद्र सिविल लाइन लुधियाना में 17 जून तक विराजमान रहेंगे। इस दरमियान 15 जून को संक्रांति का पावन कार्यक्रम भी गुरुदेव के सानिध्य में मनाया जा रहा है। संक्रांति का मंगलमय कार्यक्रम प्रातः 8:15 से 9:15 बजे तक यहाँ गुरुदेव के सानिध्य में रहेगा। सबसे अनुरोध है सभी धर्म प्रेमी जन संक्रांति पर गुरुचरणों में आकर गुरुदेव श्री जी से संक्रांति का नाम और संक्रांति पर महामंगल पाठ श्रवण करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं राजकुमार जैन दिल्ली से अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पावन गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज साहब के दर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी को हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि लुधियाना नगरी आदिनाथ जैन मंदिर समिति केंद्र में तारक ऋषि जी महाराज साहब अपने शिष्य मंडली के साथ यहाँ उपस्थित हैं और इसी उपलक्ष में आत्मा चैनल के एमडी श्री विनोद जैन जी
का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आज के धार्मिक समाचार बस यही तक। कल मैं काव्या जैन फिर हाजिर होंगी कुछ और नए धार्मिक समाचारों के साथ। जय जिनेंद्र। ब्रिक्स बढ़िया क्वालिटी की ईंटें और टाइल्स खरीदने के लिए संपर्क करें वीपीओ चौकी मान तहसील जगराऊं, नंबर 9872503117, 9872636526। होटल सिटी होम फुली एयर कंडीशन रेस्टोरेंट, किटी हॉल बैंक्वेट हॉल फुली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स विद 24-hour रूम सर्विस, 100% pure vegetarian food, special thali, packing and free home delivery also available. Hotel City Home near Sanglawala Shivala Mandir, Ludhiana, phone 9780463030.